सबसे पहले आज तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज किस वजह से आज मीटिंग था जो कि लंच इनविटेशन भी था। ये इनविटेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए रखा गया है कि जो हमारे नीचे की जितनी भी टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर और वीडियो डायरेक्टर, तो उनको लोग सिर्फ नाम के माध्यम से जानते हैं, किसी ने उनको देखा समझा नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि इस लेवल से इन लोगों को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाएगा। इन लोगों को हमारी कंपनी की तरफ से इन्हीं को ही मेन उस पर लिया जाएगा, फोकस पे, कि ये हैं तो हम सब हैं। अगर आज ये अच्छा गाना ना लिखें या अच्छी वीडियो ना बने या म्यूज़िक अच्छा ना मिले तो कभी भी सिंगर उस गाने को इतना बड़ा नहीं कर सकता। सिंगर का भी अपना एक रोल है इसमें कि सिंगर जो होते हैं वो अपने एक नेम वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू से गाने को चलाते हैं, बट इनका उसमें सबसे बड़ा रोल है कि जो वीडियो, म्यूज़िक और लिरिक, ये तीन चीज़ ऐसी हैं कि जो गाने की मेन चीज़ होती है जिसको गाना बढ़िया लगता है, तैयार होता है। सर, मैं चाहता हूँ अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गोल्डी तनेजा, बेस्ट वन म्यूजिक से। और सर आपका परिचय? राजू पटना। सर आपका? मोतीलाल प्रसाद बावट। और बेसिकली जो लंच भैया ने जैसे बताया, ये लंच जो ऑर्गेनाइज किया गया था सिर्फ थैंक्स गिविंग था। हम उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे जो हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि हम इस एपिसोड चला सकें। ये सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट था जिससे हम फेस टू फेस उनसे मिल सकें और उनकी जो अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो हमें हम तक पहुंचे और हम लोग कोशिश करेंगे उसको दूर करने। सर, पीछे बेस्ट वन म्यूजिक का पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे यहाँ आए गायक, गायकीतकार, संगीतकार, वीडियो निर्देशक, आप सभी का बेस्ट म्यूजिक में स्वागत करता है। ये जो है इससे पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना भी आया था अभी हाल ही में नवरात्रि में, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? पवन सिंह जी के लिए तो मैं जितना थैंक्स करूं उतना कम है, क्योंकि एक जीरो सब्सक्राइबर चैनल को उन्होंने अपना गाना दिया, इस लायक मुझे समझा। वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते हैं, हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि हम इस एपिसोड चला सकें। ये सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट था जिससे हम फेस टू फेस उनसे मिल सकें और उनकी जो अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो हमें हम तक पहुंचे और हम लोग कोशिश करेंगे उसको दूर करने। सर, पीछे बेस्ट वन म्यूजिक का पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे यहाँ आए गायक, गायकीतकार, संगीतकार, वीडियो निर्देशक, आप सभी का बेस्ट म्यूजिक में स्वागत करता है। ये जो है इससे पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना भी आया था अभी हाल ही में नवरात्रि में, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? पवन सिंह जी के लिए तो मैं जितना थैंक्स करूं उतना कम है, क्योंकि एक जीरो सब्सक्राइबर चैनल को उन्होंने अपना गाना दिया, इस लायक मुझे समझा। वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते हैं, वो मुझे हमेशा राजा भैया कहते हैं और उनके परिवार से मैं बहुत पुराने ताल्लुकात रखता हूँ। और जो पवन जी हैं, पवन जी ने जो करके दिखाया, जो सारी दुनिया कहती थी कि नहीं होगा, वो उन्होंने कर दिखाया और आप सबके सामने वो चीज़ है, मुझे उसको बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। पहला गाना पावर स्टार पवन सिंह जी का है, भोजपुरी में बहुत सारे गायक हैं, नए गायक भी हैं, उनके लिए बेस्ट वन म्यूज़िक क्या कुछ सपोर्ट करेगा? नए गायक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम सपोर्ट हमारा लेवल ही करेगा और मैं चाहता भी हूँ कि जितने नए गायक हैं वो हमारे लेवल से कॉन्टेक्ट करें, मिलें, हम उनको चांस देना चाहते हैं, यही मैं मतलब कहना चाहता हूँ। क्या इस बेस्ट वन से आने वाले टाइम में अभी पवन सिंह जी का कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, बिल्कुल है। और कितने गाने आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह? ये हम नहीं बता सकते हैं, बट अगर ऐसे कहें तो बहुत गाने आने लगातार ही है, लगातार गाने हैं जी। जिस तरह से अभी हाल ही में पवन सिंह जी का पुदीना टू आया था, मतलब कह ले तो एक दिन में 10 मिलियन व्यूज जिस तरह से आ रहा, क्या बेस्ट वन पे भी इसी तरह का कोई बवाल प्रोजेक्ट पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और वो पावर स्टार है, उनके लिए मिलियंस तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ है, बेस्ट ऑफ म्यूजिक से और किन किन स्टारों का गाना आने वाला है? बहुत ही जल्द हम अभी अंकुश राज का गाना देने वाले हैं जो हमारा पाइपलाइन में है। बाकी गुंजन का गाना रिलीज हो चुका है, गुंजन के गाने और आने हैं, कल्लू जी के गाने आने, लगभग सारे स्टार हैं इसके अंदर। बेस्ट ऑफ म्यूजिक से जो नए सिंगर है, जो उभर रहे, जिनमें कलाकारी है,
उनको क्या सपोर्ट मिलेगा? हम उनको चांस देंगे जी, चाहे राइटर हो चाहे सिंगर हो, हम सबको एक चांस जरूर देंगे। जो अच्छे गाने वाले हैं उस संपर्क करें, हम उनका कैसेट जरूर कराएंगे। क्या खेसारी जी का बेस्ट वन म्यूजिक पे गाना आएंगे?